जो आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो क्या पता डिफॉर्मेशन केस हो जाए। खरीदने से याद आया, एक जर्नलिस्ट यू गाइस बी लाइक अर्नब जर्नलिस्ट नहीं है, यू नो आपको फ्लाइट में लियोनार्डो दा विंची दिखे और आप बोलो मैं तेरी पेंटिंग बना के दिखा, कामरा ने बुक किया, फिर मैं रेडबुल पीने लगी, बीपी नहीं बढ़ा, फिर मैंने 10 मिनट रिपब्लिक टीवी देखा, बीपी ऐसे फटके ऊपर गया, अब मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है। रिपब्लिक टीवी हमेशा सरकार का पक्ष लेने और विपक्ष पर उंगली उठाने के लिए चर्चा में बना रहता है। इस चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी भी अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। सरकार का पक्ष लेने की वजह से अर्नब को काफी ट्रोल भी किया जाता है। आज के वीडियो में बात कुछ कॉमेडियंस की करेंगे जिन्होंने अपने शो में अर्नब को काफी ट्रोल किया। शुरुआत कॉमेडियन कुणाल कामरा से करते हैं। कुणाल कामरा और अर्नब के बीच का विवाद थोड़ा पुराना है, पर कुणाल अर्नब को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुणाल ने अपने एक स्टैंड अप में अर्नब की क्लास ही लगा दी। न्यूज़ देखा है, जो आदमी अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाता है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता, नहीं तो क्या पता डिफॉर्मेशन केस हो जाए, पर नाम लेने का जरूरत है क्या? द नेशन ऑलरेडी नोज। इसका एक पैटर्न है, रोज रात को एक बंदे को पाकिस्तान से बुलाएगा और उसको अपना फीलिंग बताएगा, सवाल ही नहीं है, ये फीलिंग बता रहा है अभी। जनरल चीमा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, दैट्स व्हाट अला, टोटली टोटली रोग, या दैट इज फाइन, बट व्हाट इज द क्वेश्चन? नो नो, यू रिलैक्स, दिस इज माय शो, आई डिसाइड, यू रिलैक्स। कोई डिबेटिंग कल्चर है? एक आदमी गांड मरा के तुम्हारे यहां पहुंचा है, घर जाते जाते सोच रहा है सवाल क्या था, मैं कौन हूं, कब पैदा हुआ, एक वॉचमैन दूसरे को बोल रहा है सांप का तो चूतिया कट गया आज। कॉमेडियन मुनावर फारूकी ने अपने स्टैंड अप में अर्नब गोस्वामी का जिक्र कर काफी जोक बोले जिसे वहां मौजूद ऑडियंस भी काफी पसंद कर रही थी। खरीदने से याद आया, एक जर्नलिस्ट यू गाइस बी लाइक अर्नब जर्नलिस्ट नहीं है, तो देख मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि रिया ने सुशांत का दिल नहीं तोड़ा, अर्नब का दिल तोड़ा? रिपब्लिक की टीम ना रिया के घर के बाहर खड़े रहे, कैमरे में रिया को देख रहे, रिया टीवी पर रिपब्लिक टीवी देख रही है, रिपब्लिक टीवी रिया को देख रहे। रिया रिपब्लिक टीवी, मतलब ये प्यार का इंसेप्शन नहीं चल रहा? अर्नब के रिपोर्टर बोले भाभी के घर के बारिश खड़े ले भाभी, बिल्डिंग लगा ले, बिल्डिंग। हाँ, राइटर और स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर अक्सर पॉलिटिक्स को लेकर जोक करते हैं और लोग उनके पॉलिटिक्स को लेकर जोक को काफी पसंद भी करते हैं। वरुण ने अपने एक स्टैंड अप में अर्नब को लेकर काफी जोक किए और उन्हें काफी ट्रोल भी किया। कुणाल कामरा हैकल्ड अर्नब गोस्वामी, उस बंदे की कोर कॉम्पिटेंसी में घुसा ये। ब्रेवरी जिस आदमी ने पूरी जिंदगी वो किया हो और तुम पहली बार कर रहे हो और तुम सोचो कि आई कैन डू अ गुड जॉब ऑफ इट, दैट इज बिलीफ। कामरा हैड दैट बिलीफ इन हिमसेल्फ, ही डिड दैट, यू नो, आपको फ्लाइट में लियोनार्डो दा विंची दिखे और आप बोलो मैं तेरी पेंटिंग बना के दिखाऊं, कामरा ने वो किया। लोगों ने बोला पोलाइटनेस होनी चाहिए ना बात में, पोलाइट होनी चाहिए था, उसको बात भी करनी थी तो थोड़ा पोलाइट हो जाता। सैमुअल एल जैक्सन की एक फिल्म है स्नेक्स ऑन अ प्लेन, उससे हमने ये सीखा है जब प्लेन में सांप हो तो पोलाइटनेस काम नहीं आती है। स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगुली भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, उनके वीडियो को भी लाखों लोग देखना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने एक स्टैंड अप में अर्नब को लेकर काफी जोक पड़े जिसे जनता ने बहुत पसंद किया। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट अर्नब मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले ना मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम होती थी,
बीपी लो रहता तो मैं कैफीन लेने लग गया, बीपी नहीं बढ़ा। फिर मैं रेडबुल पीने लग गया, बीपी नहीं बढ़ा। फिर मैंने 10 मिनट रिपब्लिक टीवी देखा, बीपी ऐसे फटके ऊपर गया। अब मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है। मतलब रिपब्लिक टीवी इज़ द ओनली चैनल जो आप ना दाल चावल खाते खाते देख ही नहीं सकते, छाती में दर्द होने लग जाता है, रोल खाना पड़ता। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है देश में? अर्नब स्टॉप कंपीटिंग विद अदर न्यूज चैनल्स, हिज कंपटीशन इज नाउ ड्रामा। वो सोच ही नहीं रहा बाकी जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे यार एक तान एक और नागिन मार दी, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा यार। See, I think that's the spectrum of Indian media. अर्नब को अक्सर उनके बयानों या फिर उनके सरकार की तरफ झुकाव को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पंजाब टुडे के साथ। धन्यवाद। अर्नब कहाँ छिपा बैठा हूँ? अर्नब, ए अर्नब, पता नहीं कहाँ छिप के बैठा हुआ ये अर्नब। अर्नब बताइए, इतना बड़ा देशभक्त पता नहीं कहाँ गायब हो। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.